देना चाहता हूं, भाई के नाते भी देना चाहता हूं, बेटे के नाते भी देना चाहता हूं। ये मेरे प्रदेशवासियों, बहन और बेटियों का सम्मान करो, तभी हम सुखी रहेंगे, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। और इसलिए मेरी बहनों, जब से मैंने होश संभाली, ये लाडली बहना योजना ऐसी नहीं बनाई कि हमने वोट के लिए बना दी। जब से मैंने होश संभाला, मैं देखता था बेटियों के प्रति भाव, माँ भी बेटा दूध पी ले, बेटा मिठाई खा ले, और बेटी खा तो खा नहीं तो जा। ये भेदभाव मैंने देखा, बेटा बेटी, माँ भेद करती कई बार, मेरी आत्मा रोती थी, मेरा कलेजा फटता था, हे भगवान ये भेद क्यों होता है। और तब मैं सोचता था कि ये भेद कैसे खत्म हो। मेरी बहनों, मैंने बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा, अपने गांव में मैंने देखा, पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो डंडा उठाए और मार दे पत्नी को। क्या जानवर है औरत? क्या स्त्री को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? और बहन पिटे भी, और बाद में कोई बचाने जाए तो कहते हैं अरे उसका आदमी है, मारे चाहे पीटे। बताओ अन्याय होना चाहिए क्या बहनों के साथ? आज जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? मेरी आत्मा रोती थी कि कब वो दिन आएगा मेरे भगवान, जब बेटा और बेटी बराबर हो जाए, जब स्त्री और पुरुष बराबर हो जाए। और मेरी लाडली बहना की यात्रा उस दिन शुरू हुई। मेरी बहनों, उस दिन शुरू हुई। मैं एक गांव में एक जगह बोल रहा था जब मैं छोटा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, कह लगे बड़ी बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया बात करने, बेटी को आने दो। मुझे लगा कि शिवराज बात सही है, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। और तब मेरी बहनों, मेरी जितनी हैसियत थी, मैं गरीब बेटियों की शादी करता था दोस्तों की मदद से, कि शादी तो बोझ ना बने कम से। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, आज लाडली बहना की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं। पूरे प्रदेश की मेरी बहनों, ध्यान से सुनना अपने भाई को। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने पहली योजना बनाई कि बेटियों की शादी अब सरकार करेगी, बेटी माता पिता पे बोझ नहीं बनेगी। मैंने कन्यादान और निकाह योजना बना दी, बेटी की शादी को मैंने बोझ नहीं रहने दिया। बीच में सरकार आई दूसरी, उसने जरूर योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। लेकिन आज मैं फिर वचन देता हूं माता पिता को, चिंता मत करना, बेटियों का मामा मुख्यमंत्री है, भाजियों की शादी में तुम्हारे सिर पे बोझ नहीं आने देगा, मैं करवाऊंगा बेटियों की शादी, सरकार करेगी बेटियों की शादी। और केवल इससे काम नहीं चलेगा। मेरी बहनों, आज कहानी सुना रहा हूं तुम्हें, मेरे मन में एक विचार है, बीच में आज डिस्टर्ब मत करना भाई, मैं बाद में मिलूंगा, मैं बोल रहा हूं अभी, बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं, बाद में मिलूंगा। और कोई बीच में ना टोके, आज मैं नहीं बोल रहा, आज मेरी आत्मा बोल रही है, मेरे दिल में जो भरा है आज निकाल लेने दो। मेरी बहनों, मैंने सोचा कि बेटी जब तक बोझ मानी जाएगी, लड़की को पैदा नहीं होने देंगे लोग। और इसलिए मेरे मन में यह बात आई कि बेटी को लखपति बनाना चाहिए, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा होनी चाहिए। और मैं तुम्हें सुना रहा हूं, मैंने बुलाया अफसर कि बेटी को मुझे लखपति बनाना है, तो हंसने लगे, अरे बोले बेटी लखपति कैसे बन जाएगी? मैंने कहा बहुत आसान तरीका है, बेटी के पैदा होते ही सरकार के खजाने से पैसा निकाल के बेटी के नाम पे जमा कर दूंगा, इतने जमा कर दूंगा कि 21 साल की होगी तो 1,00,000 से ज्यादा मिल जाएंगे, बेटी लखपति बन जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? आज भाई बहन बात करें, सही बात है कि नहीं? और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बना दी। आज तुम्हें पता मेरी 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, 46 लाख, जिनको गोद में खिला के मैंने बचत पत्र दिए थे, वो कॉलेज में पहुंच गई, और जैसे मामा मामा कह के चिल्लाती है,
तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मुझे कितनी खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकता। अभी इंदौर में एक सभा में बेटी घूम रही थी, मामा मामा इधर से उधर इधर से उधर, मेरी नजर नहीं गई तो वो अपनी माँ से कह लगी, मामा तो मिले ही नहीं रहे, मामा तो मिले ही नहीं रहे। इतने में मैंने आवाज सुन ली और मैंने दोनों बाहें फैला के, आ जा मेरी बेटी। ये बेटी नहीं मेरे लिए देती, इसलिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बताई। और मेरी बहनों, इस मंच पर भी मेरी जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, बाकी बहनें बैठी है, मेयर भी बहन है। आज मैं कह रहा हूं ये बहनें इसलिए इस मंच पर बैठी हैं कि मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर चुनाव में बहनों को रिजर्वेशन दिया कि आधी सीटों पे केवल बहन चुनाव लड़ेगी, वहां भाई खड़े नहीं हो सकते। आज मुझे ईमानदारी से बताना, अगर मैं आधी सीटों पर बहनों के लिए रिजर्वेशन नहीं देता, क्या भाई खड़े नहीं हो सकते, तो बताओ इतनी बहनें चुनाव लड़ती क्या? जोर से बताओ, नहीं लड़ने देते। घर में बैठ, रोटी बना, चूल्हा जला, 50 आदमी आ रहे खाएंगे, चुनाव तो साफ लड़ेंगे। मेरी बहनों, हमने तय कर दिया, ये सौभाग्य है मेरा कि आधी सीट पे केवल मेरी बहन चुनाव लड़ेगी, हाँ भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरी बहन माधुरी मेयर बैठी नहीं, अतुल भाई बैठ जान देते, ये नहीं हो सकता। ये इसलिए किया कि मेरी बहन ने राजकाज भी चला, ये आगे बढ़े, इनके हाथ में सरकार आएगी तो ये बेहतर ढंग से काम कर पाएगी। और इतना ही नहीं, ये पुलिस वाली बेटियां देख रहे हो ना बीच बीच में, पहले होती थी क्या इतनी बढ़ती पुलिस में? मेरी बहनों, ये मैंने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करूंगा, कम से कम 30% भर्ती। बोलो पुलिस में बेटियां होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, क्यों बेटी पुलिस वाली नहीं होगी? अरे बहन के साथ कोई अन्याय करे तो कम से कम बेटी पुलिस वाली होगी तो दिल की बात कह तो देगी, आदमी के सामने तो कह ही नहीं सकती बेचारी, आदमी के सामने दर्द ही व्यक्त नहीं करती। और इसलिए, और अब सुनो, 35% बेटियों की भर्ती पुलिस में करूंगा, 35% बेटियां पुलिस वाली होंगी और वो गुंडों का मुकाबला भी करेंगी, गुंडों का मुकाबला करके उनको ठीक भी करेंगी। और केवल इतने नहीं, शिक्षकों में 50% भर्ती बेटियों की। और एक काम और आज मैं दोहराना चाहता हूं, मेरे भाइयों तुम भी सुनना, मुझ पर गुस्सा मत होना। संपत्ति कौन के नाम खरीदते थे? अगर प्लाट खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, कोई बेटी या बहन के नाम पर खरीदता था क्या? औरत के नाम पर कोई खरीदता था क्या? मैंने एक तरकीब भिड़ाई, मैंने कहा बहन या बेटी के नाम पर खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा, और आदमी के नाम पर खरीदोगे तो 3% लगेगा। और तरकीब काम आ गई, कई लोगों ने संपत्ति खरीदी तो अपनी पत्नी से कहा तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। बजाओ ताली जोर से। अरे इसी बहाने मेरे नाम, मेरी बहनों के नाम पे मकान दुकान हो जाए यार। एक एक चीज मैंने करने की कोशिश की, एक एक चीज करने की कोशिश। ये दारू की दुकानों के बगल में आहते पीने के, वहां दारू पिए और वहां से डोलते डालते निकले और बहन बेटी को छेड़े। और इसलिए हमने तय कर दिया मध्य प्रदेश की धरती पर कोई शराब का आहता नहीं होगा, सारे मैंने कहा बंद करो, कोई दारू का आहता नहीं। और अगले साल शराब की जाना दुकानें आधी बहने लिख के दे देंगे कि दारू की दुकान नहीं चाहिए, मैं नहीं खुलने दूंगा, नहीं खुलने दूंगा, नहीं खुलने दूंगा। बहनों की जिंदगी सवाल। मेरी बहनों,
ये सब इसलिए कि तुम बदलो, तुम्हारी जिंदगी बदले और हम और तुम मिलके जमाना की धार बदल दें, बहन और बेटियों की इज्जत हो। ये लाडली बहना योजना क्यों, क्यों मैंने लाडली बहना योजना बनाई, कोई वोट के लिए बनाई? नहीं मेरी बहन, यहां दिल में तड़प थी मेरे सीने में। मेरी गरीब बहन 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए हाथ पसारती थी, दे दो, कई बार घर वाले भी नहीं थे, परिवार वाले भी नहीं थे, रिश्तेदार भी नहीं थे, 1000 की 2000 की जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, पैसा नहीं होता तो आत्मा रोती थी, काश मेरे पास पैसा होते तो बेटी को फिराक दिला देती, कपड़े दिला देती, गुड़िया ले आती, आइसक्रीम खिला देती, उसकी जरूरत पूरी कर देती। 1000-1000 रुपये के लिए तरसती थी, क्यों मेरी बहनों को 1000 रुपये के लिए तरसना चाहिए क्या? सुनो जमाने वाले, आज पूरी दुनिया को मानना चाहता हूं, मैं पुरुषों को कहना चाहता हूं, बताओ भगवान ने धरती क्या बहनों के लिए नहीं बनाई क्या? ये पानी, ये हवा, ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये खदाने क्या बहनों की नहीं बनाई उसने? अरे उसके लिए भी तो बनाई होगी जब पैदा किया, और तुम उसके हिस्से में कुछ देते ही नहीं हो। और इसलिए मैंने तय की कि शिवराज ऐसी योजना बना कि बहनों को एक एक पैसे के लिए तरसना नहीं पड़े, उनकी व्यवस्था हो जाए, उनकी व्यवस्था हो जाए। और इसलिए जब मैंने तय किया तो लोग उनका मर जाएंगे, ये तो फ्री में बांट रहा है, पैसा कहां से लाएगा? तो सुनो, जो कहते हैं कि फ्री में बांट रहा है, मैं बांटूंगा डंके की चोट बांटूंगा। ये फ्री नहीं, बहनों का हक है, बहनों का अधिकार हक है उनका, उनका हक दे रहा हूं। क्यों परेशान हो भाई? और उनको भी जीने दो, उनको भी मुस्कुराने दो, उनके बाल बच्चों को फलने दो, फूलने दो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आने दो, तुम्हें तकलीफ क्या है? मेरी बहनों, रात भर में सोचता रहा एक दिन, रात भर क्या करूं क्या करूं, तो आज मैं कहानी सुना रहा हूं। तो दो विचार मेरे मन में आए, मेरे मन में एक ही आया कि शिवराज तू भी तो भाई है रे, तू भी तो भाई है अपनी बहनों का, बताओ मेरी बहनों भाई हूं कि नहीं? आज दिल से बताना जोर से, भाई हूं कि नहीं? मैं भाई लगता हूं कि मुख्यमंत्री लगता हूं? मैं तो भाई हूं तुम्हारा, जब तक जीऊंगा मेरी सांस तुम्हारे लिए चलेगी, तुम्हारी बेहतरी के लिए चलेगी, तुम्हारी भलाई के लिए चलेगी, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए चलेगी। और भाई भी तो बहन से राखी बंधवाते, और राखी बंधवा के कुछ पैसे बहन को देता कि नहीं देता? कपड़े देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा, कुछ ना कुछ तो देता ही है। तो मेरे दिल ने भी कहा तू भी देना है, क्या कहलाने के भाई है कि भाई हूं भाई हूं भाई, इससे काम चलेगा? और इसलिए मैंने सोचा कि देना है। लेकिन एक विचार और आया दूसरा, कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। साल में एक बार देने पे काम चलता क्या? अरे मेरी बहनों, एक बार देने पे काम चलता क्या? और रात भर इसलिए एक दिन मैं सोचता रहा, और अंत में मैंने सोच के निकाला कि हर महीने बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा हर महीने। ये बनी लाडली बहना योजना। अब मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज दूर दूर तक मेरी बहनें दूसरे सेट में भी बैठी है, पूरे प्रदेश में सुन रही है, बताओ मेरी बहनों योजना अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, पूरी दुनिया सुन ले, अच्छा इस योजना ने आपकी जिंदगी बदली है कि नहीं बदली? बदली है कि नहीं बदली? इस योजना ने जिंदगी बदली पत्रकार मित्रों, जरा दिखा देना पूरे हिंदुस्तान को, इस योजना ने जिंदगी बदली है। ये बांटना नहीं है, ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलना है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहनों ने बताई, बहनों ने मुझे कहा कि भैया जब से ये योजना बनी है हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है। बोलो सही बात है कि नहीं?
पीछे तक बोलो, इधर भी बोलो। एक बहन मुझे कह रही थी, सास आजकल बहुत ध्यान रखती है। कहती बहू रोटी में घी चुपना कि नहीं चुपना, घी चुपनी खा लेते। और एक बहन ने मुझे कहा कि आजकल तो पतिदेव भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो। देखो ये सच्चाई है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है भाई, कड़वी सच्चाई, पैसा इज्जत बढ़ाता है। और इसलिए मेरी बहनों और दुनिया भी सुन ले, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने अपनी बहनों को इज्जत दी है, उनका मान बढ़ाया है, उनका सम्मान बढ़ाया है। ये पैसा नहीं है, तुम्हारी इज्जत है मेरी बहनों, ये तुम्हारी इज्जत है। और इसलिए मैंने तय किया कि केवल 1000 रुपया नहीं, 1000 रुपया जब देता हूं तो लगभग 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं साल भर में। कितने लगते हैं मैं दे रहा हूं तुम बोल के बताओ, 15,000 करोड़ कितने लगते हैं? 15,000 करोड़। पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं और पैसे की व्यवस्था कर करके दे रहा हूं। लेकिन यह भी तय किया है मैंने, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अभी 1000 दे रहा हूं, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, और पैसे की व्यवस्था जैसे ही हो गई 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। आज 1250 रुपया तुम्हारे खाते में डाल, 1250, और व्यवस्था करूंगा। जलने वाले जला करे, और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 1500 रुपया महीना करूंगा, फिर और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 1750 रुपया महीना करूंगा, फिर और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 2000 रुपया महीना करूंगा। ताली बजाते जाओ, जमाने को पता भी चले, फिर और व्यवस्था करूंगा 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो सब सुन ले, कितने करूंगा? ये संकल्प है मेरा, संकल्प। मेरी आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा, जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी बहनों के आंसू पूछ गए, बच्चों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर देंगे, खुद की जरूरतें पूरी कर लेंगे, मान सम्मान के साथ जिएंगे। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, आज बुरहानपुर से मैं 1250 रुपया डालूंगा, और एक अपील सब बहनों से करता हूं, भाइयों इसका मतलब ये नहीं है कि भाइयों को कोई तकलीफ हो। देखो मैं हूं जिसने केले का मुआवजा 2,00,000 रुपया हेक्टर देने का चमत्कार किया है, कोई दे सकता था क्या बताओ किसान भाई, कोई दे सकता था? 2,00,000 रुपया हेक्टर शिवराज